हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ये दो मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है द पीरियड ऑफ ए सर्टेन साइन वेव इज टेन मिली सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड दिया हुआ है टेन मिली सेकेंड कितना दिया है टी का वैल्यू टेन मिली सेकेंड है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी इज कॉल टू क्या होता है वन बाई टाइम पीरियड मीन्स वन बाई टेन इन टू मिली सेकेंड में जिसको सेकेंड में कर लेते हैं टेन टू डी पावर माइनस थ्री हो जाएगा तो क्या जाएगा टेन टू डी पावर थ्री बटे टेन इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा टू बचेगा मीन्स एक सौ हर्ज हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी वन का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू है द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव ऑफ पिक वैल्यू आई एम इज गिवेन बाई आर एम एस वैल्यू क्या होता है आर एम एस वैल्यू पिक वैल्यू बाय रूट टू कौन सा ऑप्शन हो जाएगा टू का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है द एवरेज पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर जो होता है प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में वो क्या होता है जीरो होता है एवरेज पावर जीरो होता है थ्री का क्या हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर फोर है इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज हाफ द रिजल्टिंग करेंट बिकम्स देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाता है मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा टू पाई एफ एल और वोल्टेज को जो हाफ किया जाता है तो करेंट में क्या हो जाता है तो करेंट क्या होता है भी बटे एक्सएल होता है अब देखिए भी बाई जब जो है एक्सएल कितना हो गया टू पाई एफ एल हो गया ये करेंट हो गया अब नेक्स्ट जो है क्या किया जाता है फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाता है और वोल्टेज को हाफ कर दिया जाता है मीन्स वोल्टेज अब भी बाई टू हो गया और फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा रहा है डबल किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा टू पाई इंटू टू एफ इन टू एल कितना हो गया भी बटे फोर ये तो भी नहीं इन टू है भी बटे दो दूनी दु, चार दूनी आठ तो एट पाई एफ एल यहाँ पर वी बाई टू पाई एफ एल है यहाँ पे वी बाई एट पाई एफ एल है तो कितना वन बाई फोर्थ जो है टाइम्स सी हो रहा है करेंट भी कम से कितना हो जाएगा वन बाई फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा फोर का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है वन पॉइंट वन वन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन ए सीरीज आर एल सर्किट करेंट सीरीज आर एल सर्किट में क्या होता है करेंट जो है लैक्स करता है वोल्टेज से लैक्स द वोल्टेज ऑप्शन सिक्स का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव ए सी सर्किट इज पावर फैक्टर जो है प्योर रेजिस्टिव ए सी सर्किट का कितना होता है ये बताना है यूनिटी होता है पावर फैक्टर कितना होता है ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है एन आइडियल करेंट सोर्स एज आइडियल करेंट सोर्स में क्या होता है इंफाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन है एडिंग सीरीज रेसिस्टेंस टू ए प्योर इंडक्टेंस सीरीज रेसिस्टेंस जो है प्योर इंडक्टेंस में ऐड किया करेगा तो क्या होगा इंक्रीज द इंपिडेंस इंपिडेंस को बढ़ाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाइन का क्वेश्चन नंबर टेन है वेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इन ए सीरीज आर सी सर्किट इज इंक्रीज इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा तो जब जो है अप्लाइड वोल्टेज जो है इंक्रीज करेंगे वन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्स कॉल टू क्या होता है वन बाई टू पाई एफ सी जब ऐप का वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ऐप को इंक्रीज किया जा रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा घटेगा ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा ऑप्शन बी हो जाएगा टेन का बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एलेवन है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन आर सी सीरीज सर्किट इज़ आर सी सीरीज सर्किट में करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है फाइव इज कॉल टू टेन इन सी बटे आर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा इलेवन का बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है रिजोनेंस इन सीरीज आर एल सी सर्किट ऑकॉर्सवेन कब होता है आर एल सी सर्किट में रिजोनेंस जब एक्सएल इजक्ल टू एक्सी होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज कॉल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा ट्वेल्व का बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन है एट रिजोनेंस इन सीरीज सर्किट करेंट इज सीरीज सर्किट एट स इन सीरीज सर्किट करेंट इज करेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है क्योंकि इंपीडेंस क्या होता है मिनिमम होता है पे तो आई इज कॉल टू क्या होता है बटे, R या जेट ये जब मिनिमम होगा तो करेंट क्या होगा मैक्सिमम होगा ऑप्शन बी हो जाएगा थर्टीन का बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है एन अल्टरनेटिंग करेंट इज रिप्रेजेंटेड एट इज कॉल टू सेवेंटी पॉइंट सेवन साइन थ्री सेवेंटी सेवन पॉइंट वन सेवन वन फोर टू टी प्लस फाइव बाई सिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो देखिए ये कितना होता है आई इज कल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यही होता है तो ओमेगा जो है यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ से एप का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे ओमेगा कितना दिया हुआ है तीन सौ सतहत्तर दशमलव एक चार दो तो यहाँ से ओमेगा इजक्ल टू कितना हो जाएगा तीन सौ सतहत्तर दशमलव एक चार दो तो ओमेगा इजक्ल टू क्या होता है टू पाई एफ तो टू पाई एफ इजक्ल टू तीन सौ सतहत्तर दशमलव एक चार दो हो गया तो एफ इजक्ल टू कितना हो जाएगा तीन सौ सतहत्तर दशमलव एक चार दो टू पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर इसको काटिए तो कितना जाएगा सिक्सटी पॉइंट जीरो फाइव सिक्सटी आ जाएगा अप्रॉक्स तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इन ए सी इन ए थ्री फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाय कितना होता है 120 डिग्री से डिफर होता है थ्री फेज सर्किट में ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ थ्री फेज कनेक्शन स्टार कन थ्री फेज कनेक्शन में स्टार कनेक्शन में क्या होता है लाइन करेंट जो है लाइन करेंट इक्वल टू क्या होता है फेज करेंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा किसमें थ्री फेज स्टार कनेक्टेड में लाइन करेंट इज इक्वल टू फेज करेंट ऑप्शन सिक्सटीन का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस ऑप्शन ए हो जाएगा सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर एटीन है नोडल एनालिसिस डिपेंड्स ऑन नोडल एनालिसिस किस पर डिपेंड करता है सेलेक्टिंग रिफरेंस नोड KCL पे डिपेंड करता है किरचॉफ्स करंट लॉ सेलेक्टिंग रिफ़रेंस नोड ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 है सुपरपोजिशन थ्योरम इज मीन्ट फॉर सॉल्विंग लीनियर सर्किट लीनियर सर्किट को सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज किया जाता है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है नॉटन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टेट और एक्सप्लेन करना है इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसी क्वांटिटीज फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आर एम वैल्यू क्वेश्चन नंबर थ्री है सो डैट एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो इसी का और क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्च लॉ क्वेश्चन नंबर फोर है स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसी का और क्वेश्चन पूछा गया है टू रेसिस्टेंस वन एंड आर टू गिव कंबाइंड रेसिस्टेंस फोर फोर पॉइंट फाइव ओम वेन इन सीरीज एंड वन ओम वेन इन पैरल जब दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं आर वन प्लस आर टू टू फोर पॉइंट फाइव ओम है और जब आर वन पैरल में जोड़ते हैं मीन्स आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू इज टू वन ओम है तो यहाँ से आर वन और आर टू का वैल्यू निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा वहाँ से निकाल लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव ब्रीफली एक्सप्लेन वाई करेंट ड्रॉन बाय ए प्योर कैपेसिटर लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ एट माइक्रोफेराड कैपेसिटर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ट्वेंटी हर्ज क्वेश्चन नंबर सिक्स है एन इंस्टेंटेनियस करेंट इन ए सर्किट इज गिवेन बाई आई इज कॉल टू हंड्रेड साइन सेवन ट्वेंटी एट टी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आर एम एस वैल्यू एन फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट देखिए मैक्मम आई इजकॉल टू क्या होता है आई एम साइन ओमेगा टी आई एम क्या है मैक्सिमम करेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा वन हंड्रेड बाई रूट टू और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा तो ओमेगा इजकल टू टू पाई एफ होता है तो यहाँ से एफ़ इजक्ल टू कितना हो जाएगा ओमेगा बटेड टू पाई ओमेगा सात सौ अट्ठाइस दिया है बटेड टू पाई पाई का वैल्यू बाईस बटे सात पुट कीजिए यहाँ से काट करके निकाल लीजिए इसी का और क्वेश्चन है वाट डू यू मीन बाई गिवेन ए सी इन फेज लैगिंग लीडिंग ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन है स्टेट एंड एक्सप्लेन थे थ्यूरम विथ स्विटेबल डायग्राम हाउ डज़ इट डिफर्स फ्रॉम नॉटन्स थ्यूरम इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज मिंट बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट कैलकुलेट इट्स वैल्यू फॉर ए सीन्यूसाइडल करेंट वेव क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया है ए सीन्यूसाइडल फिफ्टी हर्ज करेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड एम्पेयर फॉलोइंग थ्रू ए कैपेसिटर ऑफ थ्री हंड्रेड एटीन माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इक्वेशन ऑफ द अप्लाइडमएफ द आर वैल्यू ऑफ अप्लाइड एमएफ एंड करेंट इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ए सी थ्रू आर सी सीरीज सर्किट विथ फेजर डायग्राम एंड वेब फॉर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन दिस सर्किट क्वेश्चन नंबर नाइन है ए क्वाइल हैविंग ए रेसिस्टेंस ऑफ सेवन ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ थर्टीन थर्टी वन पॉइंट एट मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू टू थर्टी वोल्ट फिफ्टी हर सप्लाई कैलकुलेट सर्किट करेंट फेज एंगल पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम को कैलकुलेट करना है इसी का और क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन नोटन्स थ्यूरम व्हाट आर द टू एलिमेंट्स ऑफ ए नोटन इक्विवेलेंट सर्किट दो एलिमेंट क्या हो जाएगा नोटन करेंट और नोटन रेसिस्टेंस जिसको पैरल में कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है ए क्वाइल ऑफ रेसिस्टेंस वन ओम एंड इंडक्टेंस वन मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए वन हंड्रेड फैराड कैपेसिटर द सर्किट इज कनेक्टेड टू ए टेन वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स कैलकुलेट करना है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी करेंट एट रिजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी एट रिजोनेंस क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट इसी का और क्वेश्चन है यूजिंग नोटन्स थ्योरम डिटरमिन द करेंट इन ट्वेंटी ओम रेसिस्टर इन द नेटवर्क सोन ये नेटवर्क में नोटन थ्योरम का यूज करके ट्वेंटी ओम के क्रॉस इसमें जो करेंट कितना फ्लो कर रहा है उसको निकालना है क्वेश्चन नंबर इलेवन है इन द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड द डिफरेंट ब्रांच करेंट बाय सुपर पोजिशन थ्यूरम सुपर पोजिशन थ्यूरम का यूज करके डिफरेंट ब्रांच में जो करेंट है उसको फाइंड करना है कितना कितना करेंट होगा इसी का इलेवन का और है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ थ्री फेज ई एम एफ आइडियल सोर्स पैरल आर एल सी सर्किट तो ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ है 2 मार्च 2021 को इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये क्वेश्चन पेपर है देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच